One shot, please. तो पाकिस्तानी इस वीडियोस को देख के बोल रहे हैं कि भाई अजीब पागल लोग हैं, अजीब देश है भाई, अजीब देश नहीं है ना, बिल गेट्स पागल है। हिंदुस्तान के लोग अच्छे हैं, हिंदुस्तान में सिक्योरिटी ज्यादा है, शांति है हिंदुस्तान में। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली ठीक है, किसको तो चाय सारी पिलाया। बात है। बिल गेट्स तो ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है, चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं वो। ठीक हो गया, उनके लिए वो कमी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वाले चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था। कैसा अनुभव रहा उन्होंने चाय पीने के बाद, क्या कहा आपसे? वाओ बोले, डॉली की चाय। सिटीज को छोड़ो, तुम लोग यहाँ पर एक अच्छे स्कूल बना दो और कोई डॉली चाय वाला यहाँ पर प्रमोट कर दो जो पाकिस्तान का नाम उस लेवल पर ले जाए और कुछ गेट्स को अट्रैक्ट करे। मैं ये चीज को आज मैं एक चीज देख रही थी यार, उस डॉली चाय वाले को पूरे पाकिस्तान को पता है और उनको ये भी पता है कि वो किस तरह से चाय बनाता है, चाय के साथ जुबान लगाता है, वो उसका अपना अंदाज है, जिसकी वजह से बिल गेट चलकर उस तक आया कि भाई मुझे भी एक चाय पिला दो ताकि मैं भी वायरल हो जाऊँ। देखो चाय वाले ने बिल गेट्स को वायरल कर दिया। जब मैंने पिक्चर देखी, मैं तो जिंदगी सबसे ज्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहब जो है वो कहां पर आके जो है चाय पी रहे हैं, और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो, उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख ले तो मिलियन मिलियन व्यूज है उस बंदे के ऊपर, और उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया को उसने अट्रैक्ट किया। हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज 91 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिल गेट्स, उन्हें कौन कौन नहीं जानता, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं बिल गेट्स, उन्होंने वो भारत विजिट किया और भारत विजिट में एक रील बनाता था, एक ठेले पर चाय लगाता है, डॉली चाय वाला उसका नाम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है और अक्सर उसकी चाय बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही स्पेशल है, और वो बिल गेट्स ने देखी होगी। तो बिल गेट्स ने सबसे पहले भारत आकर के डॉली चाय वाले के पास रुके और उन्होंने, जैसे कि आपने क्लिप्स के अंदर देखा कि उन्होंने वन चाय प्लीज़ करके उन्हें चाय के लिए बोला। हालाँकि इसमें जो ये डॉली चाय वाला है, इसने खुद इंटरव्यू में आकर कहा कि मैं तो इन्हें पहचानता भी नहीं था, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं था, मैंने तो जिस तरीके से मैं अपनी चाय बनाता हूँ उस तरीके से इन्हें चाय दे दी। इन्होंने चाय पीने के बाद बहुत ज़्यादा तारीफ़ की चाय की, और डॉली चाय वाले का कहना यह है कि मुझे अगले दिन पता चला जब ये वीडियो हमारी वायरल हुई बिल गेट्स के साथ, तो तब पता चला कि ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी थे, और कुछ इस तरीके की बातें हैं जो कि आपने इंटरव्यू में देखी होगी और आगे भी फुल इंटरव्यू इनका वीडियो में मेंशन किया गया है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हमारे पाकिस्तान को तो सिर्फ आतंकवादी के रूप में जाना जाता है, हमारा पाकिस्तान तो सिर्फ आतंकवादी पालता है, भारत देखिए कितनी महान हस्ती है, उसका चाय वाला भी मशहूर है जो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो खुद आकर के उसके पास में चाय मांग रहा है, और हमारे पाकिस्तान में तो कोई सिर्फ भिखारी बसते हैं और कोई आना भी पसंद नहीं करता। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब बात करेंगे इंडिया के अंदर एक वेंडर की जो कि चाय बेचता है, उसका नाम है डॉली चाय वाला, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और बिल गेट्स दुनिया का सातवां अमीर तरीन इंसान, माइक्रोसॉफ्टवेयर का बादशाह, वो जाता है और डॉली से जी चाय पीते हैं और साथ साथ रील बनवाते हैं, और ये रील वो अपने सोशल अकाउंट के ऊपर शेयर करते हैं और कहते हैं कि इंडिया की जो चाय है ना उसमें भी इनोवेशन है। और उनका एक जो एक सेंटेंस है या एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि वन चाय प्लीज़। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इंडिया इतना सेव है कि वहाँ पर दुनिया के अमीर तरीन इंसान, बिलियनियर्स आम आदमी की तरह रोडों पे घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। देखें, उसके अंदर हमारे लिए एक मोटिवेशन है, जैसे कि सब लोगों ने, हमने सिर्फ सोशल मीडिया पर आज तक देखा है कि उसको लोग ट्रोल करते हैं और उसको ना मतलब डिफरेंट नेम से पुकारते हैं और उसकी ट्रोलिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उस बंदे ने अपनी जो है एक वर्क, अपनी मेहनत जो है वो जारी रखी है, उसने किसी के ना मजाक की वजह से वो अपने आप को रोका नहीं है, वो करता रहा अपनी, जिस तरह उसका एक स्टाइल था, उसकी एक यूनिकनेस थी, इसी तरह हमें भी चाहिए कि उससे मोटिवेशन हासिल होनी चाहिए कि आप में जो ये नहीं है कि आप अलग हैं, आप यूनिक हैं सबसे, ठीक है, जिस तरह आप यूनिक हैं उस तरह आप अपने काम को जारी रखें, इंशाल्लाह एक दिन आपका पे ऑफ होता है ज़रूर।
यहाँ पर ये है कि बिल गेट जैसे जो सेलेब्रिटी हैं उन्होंने इंडिया के एक आम आदमी को जो है इंडोर्स किया है, उसको पूरी दुनिया में प्रमोट किया है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो कोई भी आपका टैलेंट है उसको दुनिया जानती है, देखती है। देखिए इंडिया वाले जो है वो अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं हमेशा, उन्होंने मोटिवेट किया, उनको सपोर्ट किया। हमारे पाकिस्तान में एक दूसरे को सिर्फ ट्रोल करते हैं, मीम बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, कोई भी बंदा आगे आने की कोशिश करता है उसको डिग्रेड किया जाता है। वहाँ यहाँ पर ये नहीं है कि उसको सपोर्ट किया जाए, वहाँ के लोग जो है एक दूसरे का सपोर्टिव हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर कोई बंदा किसी फील्ड में नया आ रहा है उसको वो शाउट आउट्स देते हैं, या फिर मतलब कि अपनी पब्लिक को बताते हैं कि ये बंदा नया आ रहा है, ये इस फील्ड में आ रहा है, इसकी हेल्प करें। यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ मजाक बनाया जाता है, इंडिया का भी हम सिर्फ आज तक मजाक बनाते हैं, कभी हमने उनसे सीखा नहीं है, उनसे हमें सीखना चाहिए। अगर बिल गेट्स उनके मुल्क में आ रहा है तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं आ सकता? उनके मुल्क में से उसे इन्वेस्टमेंट मिल रही है, हमारे मुल्क में जो अपने इन्वेस्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं अपनी GDP की वजह से। माइक्रोसॉफ्ट में देखिए CEO इंडियंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो है बड़े बड़े ऑफिस जो हैं ऑफिशियल वो वहाँ पर जी इंडिया में मौजूद है। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वो मुल्क कितना ज़्यादा सेफ है कि बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं प्राइम मिनिस्टर हैं PM हैं या फिर बिलियनर है वो आम रोडों पर फिर रहे हैं बगैर किसी प्रोटोकॉल के? उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता कि कोई हम पे हमला करेगा, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, कोई मॉब लिंचिंग हो जाएगी? देखिए यही तो सबसे बड़ा मसला है कि उनकी GDP स्टेबल है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हुए डरते नहीं, ये नहीं है कि उनके जो हुक्मरान है वो करप्शन कर जाएंगे, उनका पैसा डूब जाएगा, यही उनको एक सेफ साइड मिलती है। और दूसरा उनकी सोशल मीडिया पर ये नहीं है कि वो अपने मुल्क के खिलाफ बातें करते रहें कि जी यहाँ पर धमाके हो गए हैं, वहाँ पर धमाके हो गए हैं, इस वजह से वो जो लोग हैं वो सिक्योर फील करते हैं। और दूसरा उनके जो आपने बात की कि वो मुल्क इतना आगे निकल चुका है वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। बिल गेट्स आए वहाँ पर चाय पी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि भारत 140 करोड़ आवाम की कंट्री है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बिल गेट्स उसी चाय वाले के पास क्यों गया, डोली चाय वाले के पास? क्योंकि उसके चाय में एक वो अपनी चाय को मैं कहूंगी प्रमोट कर रहा था वहां पर, और बिल गेट जैसा बिलियन एयर्स उस चाय वाले तक आकर पहुंचा है। तो इसमें भारत उसने ये सबसे स्पेशल चीज क्या बोली कि मुझे यहाँ पर इनोवेशंस नजर आती हैं। और हाँ ये उसने उसकी ये बात बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और जो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी क्योंकि वो अपने लोगों को सिक्योरिटी देते हैं, वहां पर लोग आ सकते हैं, वहां पर लोग बिना गार्ड्स के विजिट कर सकते हैं। बिल गेट्स आए हैं, चाय पी के चले गए, रील बना के चले गए, और ये जो है अब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उस चाय वाले को पता ही नहीं था कि मेरे पास कितना महान इंसान मौजूद है, लोग उससे मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन वो भारत में एक चाय वाले के साथ आके मिल रहा है, रील्स बना रहा है। और अगर हम अपने कंट्री की बात कर ले, यहाँ पर तो एक आम इंसान की जान महफूज नहीं है। अभी जो आपने इचड़ा वाकया देखा उसमें पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि एक हलवे के नाम पर आप लोग पहले रिसर्च तो कर लो, पहले जान तो लो कि इसमें लिखा क्या, फिर आप उस लड़की को जो भी कहना चाहो कहो। तो ये हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई इस वाक्य को देख के। बिल गेट्स तो क्या वहाँ का एक आम पर्सन यहाँ पर नहीं आ सकता? लेकिन ये जो चाय वाले का जो वीडियो वायरल हो रहा है इससे इंडिया को बहुत बूस्ट मिलेगा टूरिज्म के इतबार से, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा सेफ मुल्क है। हमने ही शायद एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें अमेरिका ने अपने टूरिस्ट से बोला था कि भाई आप मत जाओ, वो सेफ नहीं है। लेकिन बिल गेट्स जैसे बिलियनर और एक बहुत बड़ा नाम इंडिया में आम घूम रहा है, फिर रहा है बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर रोड्स को बंद।